संभल की चंदोसी में पति पत्नी का विवाद पहुंचा न्यायालय। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पति पत्नी का विवाद न्यायालय में पहुंचा, जिसके बाद न्यायालय ने पति को पत्नी के भरण पोषण के लिए पैसे देने के आदेश दिए, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी पति ने पीड़िता को भरण पोषण के पैसे नहीं दिए और न ही न्यायालय में पेश हो रहा है, जिसके बाद आज पीड़िता अपने पति की बंद दुकान पर पहुंची और दुकान के ताले काटने के प्रयास किए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी प्राप्त की, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके और उसके पति के बीच पिछले 2 वर्ष से विवाद चल रहा है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें कोर्ट के भरण पोषण के आदेश दिए, लेकिन अभी तक मेरा पति मुआवजा नहीं दे रहा है, जिससे परेशान होकर आज मैंने बंद दुकान के ताले काटने का प्रयास किया, दुकान चलाकर मैं अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकूं, इसलिए दुकान के ताले काट रही थी। क्या मामला था? मैं ताले काटे, मैंने इसलिए काटे क्योंकि मेरा पति भागा भागा फिर रहा है, कोर्ट में डेट होती वो आता नहीं है, खर्चे के लिए ऑर्डर हुआ वो भी दिया नहीं मुझे, खाने पीने को मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने पति की दुकान मैं इनके घर में रह रही हूँ, बेटा भी रह रहा है। जी जी, अरे झगड़ा किस बात को लेके आपका? बेटी का इलाज मेरे माँ बाप कराए, सब कुछ मेरे माँ बाप करे और पैदा ये करे। तो कितने दिनों झगड़ा चला है आपका? साल दो साल पूरा होने वाले हैं। 4-5 साल से। तो आप इस समय कहाँ रह रही हैं? ससुराल में। ससुराल में रहती हैं। तो खर्चा वगैरह नहीं देते ये लोग आपको? खाना नहीं देते, खर्चा क्या देंगे? क्या नाम है आपका? कोमल गुप्ता। कहाँ रहती हैं? ससुराल में अपनी। अच्छा, आज क्या हुआ? आज कोर्ट में डेट थी, ये नहीं आया, वो भाग गया। मैं आई, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि जज भी आज बैठे नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं ताला तोड़ दूंगी दुकान का, दुकान चलाऊंगी। ठीक है, तो मैंने गलत नहीं करा है, मेरा पति की दुकान है वो। ससुराल वाले क्या कह रहे हैं आपके? कुछ नहीं, लाइट काट देते, पानी काट देते, पूरा दिन ऐसी पड़ी रहती हूँ घर में। कोई कार्रवाई की आपने अभी तक? चल तो रहा है केस। क्या चल रहा है?